श्रुत ज्ञान सब जाने जुजिन श्रुत के शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सुदृष्टि निश्चय हो षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। डमो अरिहंताड़म डमो सिद्धाड़म डमो आयरियाड़म डमो वच्छायाड़म डमो लोए सब साहूड़म अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को चारी हैं धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय
कर जोरी बार बार वंदना हमारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। संध्याकालीन अपने स्वाध्याय के क्रम में ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय की चर्चा चल रही है। इस विषय की चर्चा में एक आदर्श आत्मार्थी जीव का व्यक्तित्व कैसा होता है, जीवन कैसा होता है, इसका निर्देश और उसके जीवन से जो गुण ग्राहकता हमें लेनी चाहिए, ऐसी चर्चा इस ब्रह्मचर्य निर्देशिका के माध्यम से आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित रविंद्र जी साहब आत्मन के द्वारा ये सारा विषय यहाँ प्रतिपादित किया गया है, जिसमें क्रम रूप से हम एक एक दिए गए बिंदु पे विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल हमारा जो विषय जहां तक चला था वह आखिरी 55 नंबर का पॉइंट था। उसमें इस तरह की चर्चा आई थी, अपने द्वारा माने या लोक में माने जाने वाले गुरुजनों की आज्ञा का भी निर्णय करें। ये पॉइंट इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि निश्चित ही धन्य है वह जिनके ऊपर गुरु हैं, लेकिन गुरु कैसे हैं, गुरु की पहचान कैसे होती है, गुरु का स्वरूप कैसा है, क्योंकि गुरु का पद बहुत बड़ा होता है। गुरु मतलब देखा जाए, गुरु शब्द ही बड़े के अर्थ में प्रयोग होता है। गुरु शब्द तो ना, एक होता लघु और एक होता गुरु। लघु यानी छोटा, गुरु यानी बड़ा। तो मोक्ष मार्ग में तो गुरु का पद बहुत बड़ा है, और अन्य मत में भी अगर आप देखोगे, लौकिक दृष्टि से भी देखोगे, तो गुरु को बड़ा पद देते हैं। आपने ऐसा सुना होगा, ये सिख संप्रदाय में एक दोहा वह बोलते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। ऐसा उनके में चलता है। सुना आपने, गुरु गोविंद दो खड़े, मतलब एक तो गोविंद मतलब भगवान, और गुरु मतलब वो भगवान से परिचय कराने वाले जिन्होंने भगवान का स्वरूप बताया। तो किसकी महिमा करूं, कौन ज्यादा महिमावंत है, तो वो जो प्रत्यक्ष में गुरु दिख रहे हैं ना, उनकी महिमा विशेष बताते हैं, क्योंकि इन्होंने परिचय कराया, इन्होंने हमें उस इष्ट देव तक लेके गए। यद्यपि यहाँ पे हमारे गुरु शब्द की संज्ञा में पंच परमेष्टि को लिया जाता है। किसको लिया है? पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि में आचार उपाध्याय साधु, ये तो गुरु हैं, और अरहंत सिद्ध आदि ये कौन है? परम गुरु है। कौन है? परम गुरु। तीर्थंकर का नाम भी एक परम गुरु होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने द्वारा माने या लोक में माने जाने वाले गुरुजनों की आज्ञा। अपने द्वारा माने का मतलब ये होता है कि हम जैन धर्म अवलंबी हैं, दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, और हमारे यहाँ पर पंच परमेष्टि को गुरु रूप में माना जाता है। इसको मानते हैं गुरु में, यद्यपि हम गुरु रूप में माना जाता है, मतलब हम गुण ग्राहक हैं, गुरुओं का परिचय करके ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार करते, या फिर लोक में माने जाने वाले गुरु की आज्ञा। लोक में माने जाने वाले गुरु की मतलब लौकिक दृष्टिकोण से कहें या अन्य मतावलंबियों के दृष्टिकोण से भी कहें। जैसे हमने कहा ना, एक कल हमने चर्चा की थी, इस चर्चा में एक चीज और विचार करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो हैं तो एक सामान्य मनुष्य की श्रेणी में, लेकिन उनके कर्तव्य कार्य के कारण वो इतने महान रूप में पहुंच जाते हैं कि उन्हें गुरु संज्ञा प्राप्त हो जाती है। जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, क्या कह रहे हैं, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये शब्द जो प्रयोग किया है, ये उनकी किसी सांस्कृतिक या लौकिक क्षेत्र की विद्वता होगी जिसके आधार पे उनको ये उपाधि दी गई है, ठीक है। ऐसे हम लोग भी प्रयोग करते हैं कि अध्यात्म का उद्भव हुआ तो हमें जिनके निमित्त से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ तो हम कहते हैं गुरुदेव श्री, शब्द प्रयोग करते हैं गुरुदेव श्री। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक तो अपने द्वारा माने गए, अपने द्वारा का मतलब है कि पंच परमेष्टि आदि भगवंतों के लिए जो, या हमारे लिए कोई लौकिक गुरु हो या पंच परमेष्टि गुरु हो ऐसे, और जगत के द्वारा माने जाने वाले, अन्य लोगों के द्वारा भी माने जाने वाले ऐसे गुरुओं में। लेकिन ये निश्चित समझ लेना, यहाँ बात चल रही है ब्रह्मचर्य की, यानी आत्मा से संबंधित बात है, जिन धर्म से संबंधित बात है। तो यहाँ गुरु का संबंध या तो मोक्ष मार्गियों से होगा या मोक्ष मार्ग की पूर्णता वालों से होगा। किससे होगा? मोक्ष मार्गियों से होगा, जो मोक्ष मार्ग पे बढ़ रहे हैं, या मोक्ष मार्ग जिनके पूर्ण हो गए, जैसे अरहंत सिद्ध या आचार उपाध्याय साधु।
और गृहस्थ की भूमिका में देखेंगे तो सम्यक दृष्टि आदि आत्मानुभूति संपन्न है या जो कहते हैं तत्व का सम्यक निरूपण करते हैं जिनके जीवन में कहने चाहिए दिगंबर धर्म के अनुसार जीवन चर्या दिखती हो, हम उनको अवस्था अनुसार योग्यता अनुसार पद अनुसार गुरु के रूप में बोलते हैं। ये समझना कि दिगंबर मुनिराज की भी चर्चा करेंगे तो द्रव्य लिंग को भी वंदनीय कहा गया है। किसको कहा है? द्रव्य लिंग भी वंदनीय है क्योंकि वह है तो जिन लिंग मुनि धर्म में आचार उपाध्याय साधु के जो लिंग का बताया है तो द्रव्य लिंग भी वंदनीय है। लेकिन द्रव्य लिंग कैसा कि द्रव्य लिंग भी निर्दोष आगमोक्त हो तो क्या कह रहे हैं? द्रव्य लिंग भी वंदनीय है। ऐसा कदापि नहीं सोचना कि भाव लिंग हो तो वंदनीय, क्योंकि आप कैसे पता करोगे कि द्रव्य लिंग या भाव लिंग, क्योंकि हम तो मुनिराज की बाह्यचर्या और बाहर के गुणों को ही देखते हैं कि 28 मूल गुणों को निरतिचार पाल रहे हैं कि नहीं, आराधना उनकी निर्विघ्न है कि नहीं, विषय कषायों से रहित है कि नहीं, जो परिभाषा है बड़ी सरल सी परिभाषा, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भावधन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस्दिन तत्पर रहते हैं। तो मुख्यतः तो निज के साधन में रहते हैं, विषयों की आशा जिनके नहीं है, और पर के हित में कैसे रहते हैं कि पर में हस्तक्षेप नहीं करते हैं और अपने जीवन से पर जीवों को भी मोक्ष मार्ग में बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे मुनि भगवंत मिले, ऐसे गुरु मिले तो निश्चित ही उनके भक्ति और उनके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। देखो क्या लिखा है, किसी पक्ष व्यामोह से ग्रसित अनुचित सम्यक संयम और आगम से विरुद्ध हो तो नहीं माने, लेकिन अगर उनमें कदाचित वेश वैसा ही हो, नाम भी वैसा हो जैसा कि आगम में कहा गया हो, है ना। इसके लिए मैं आपको स्मरण कराऊं हमारी मेरी भावना की वो पंक्तियां जहां प्रारंभ की गई मेरी भावना, क्या बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, आपको जो कहना है सो कहो, लेकिन हमको तो लक्षण होने चाहिए, है ना। और यदि लक्षण नहीं है और कोई बोले ये महावीर है तो क्या हम उन्हें मान सकते हैं? लौकिक में आपने देखा होगा आवाज आती है अतुल भाई जी, आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। किसी जिसे पहुंच रही वो थोड़ा हाथ उठाए, मुझे कम लोगों के वीडियो देख पा रहा हूं मैं, लेकिन मुझे लग तो रहा है कि आवाज आती होगी, नहीं तो टेक्स्ट मैसेज से आप सूचित करें मुझे। अतुल भाई आवाज आती है? कट रही है आवाज? अच्छा हाँ, जिनेंद्र जी तो मैसेज कर रहे हैं कि आ रही है। जयंती लाल जी साहब आवाज? हाँ, हमारे रमेश जी उदयपुर से आवाज पहुंचती है? क्लियर आ रही है? क्लियर, थोड़ा डिस्टर्ब होके आ रही है, आ ही नहीं रही है। अभी आती है आवाज? थोड़ा सा देखते हैं, एक आध मिनट में नेट शायद स्टेबल हो जाएगा तो फिर शायद क्लियर आनी चाहिए। अभी अगर आती है तो मैं बढ़ता हूँ आगे विषय। रानी मूसी जी आती है आवाज? आवाज पहुंचती है? आ रही है, ठीक है। चलिए, तो हम क्या पॉइंट पे विचार कर रहे थे कि नाम से हमें कुछ लेना देना नहीं, हम गुण ग्राहक लोग हैं, और गुण ग्राहक का मतलब है कोई कैसा भी नाम रखे उनमें वह गुण होने चाहिए, यदि वह गुण है तो हमारे लिए वह वंदनीय और पूजनीय। अब गुण क्या थे? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ये तो देव के गुण बताए, और मुनिराज यानी जो पंच परमेष्टि में आचार उपाध्याय साधु, इनके गुण क्या हैं? विषयों से जो विरक्त हैं, हाँ, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, विषयों से जो विरक्त हैं और समता रूपी धन में संतुष्ट है, ऐसे आत्म आराधक हैं वह हमारे दिगंबर मुनिराज। ये तो हो गए हमारे गुरु। और लौकिक में देखा जाए या मोक्ष मार्ग की दृष्टि से भी देखा जाए तो जिनके निमित्त से हमें इस निर्दोष वितरागी मार्ग का परिचय होता है, जो इस मार्ग के पथ दर्शक हैं, ऐसे आगम के जानकार को भी हम यथा योग्य गुरुपने से स्वीकार करते हैं और यथा योग्य उनके प्रति आदर विनय आदि रखते हैं। लेकिन
पंडित जी ने कहा पक्ष व्यामोह से ग्रसित होकर के अनुचित सम्यक्त संयम और आगम से विरुद्ध जिनका जीवन हो उनको गुरुपने से स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना? क्योंकि इसका संबंध श्रद्धा से होता है। किससे संबंध होता है? देवशास्त्र गुरु का संबंध श्रद्धा से। सम्यक दर्शन कहा ना, तो इनके सम्यक श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। और इनके प्रति यदि हमारे आस्था में डगमगाहट है, इनका सही स्वरूप हमारे ज्ञान में नहीं है, तो ये समझ लो मिथ्यात्व रूप अवस्था चलेगी और ये मिथ्यात्व तो अनंत भावों का कारण होने वाला है। इसीलिए देवशास्त्र गुरु में समझौता नहीं करना। योग्य हैं, पदनुसार हैं, तो बिल्कुल उनकी भक्ति पूर्वक विनय पाठ आदि होना, लेकिन यदि असंयम में लगे हैं, अनुचित जीवन है, आगमोक्त जीवन नहीं है, तो उन्हें गुरु रूप में स्वीकार नहीं करना। उन्हें सामान्य दृष्टिकोण से आप एक जीव के रूप में देखें, ना उनसे कषाय करें, ना द्वेष करें, ना भक्ति विनय का परिणाम कहें, क्योंकि जो निर्दोष की भक्ति का भाव है वही सच्चा कहलाता है। आइए आगे के पॉइंट पे बढ़ते हैं। गुरुजनों का अनुशासन भले ही कष्टकर लगता हो, परंतु विकारों की रक्षा के लिए कवच के समान समझें। क्या कह रहे हैं? ये मार्ग किसका है? श्रमणों का मार्ग है। अभी आवाज अब पहुंचती है जयंतीलाल जी साहब? क्लियर? बहुत अच्छा। हाँ, कि अभी ये जो मार्ग है, ये मार्ग किसका है? श्रमणों का। अपन कौन से हैं? श्रमण मार्गी। श्रमण मार्गी मतलब जो श्रम से घबराए नहीं। अब श्रम क्या है? ये जगत को कर्ता बुद्धि के कारण है, ये संसार का कार्य करना ये सरल लगता है। सांसारिक विकल्प जालों में लगना, संसार के काम करना, संसार संचालन, घर गृहस्थी, व्यापार धंधा, ये सरल लगता है। लेकिन एक आत्मार्थी जिसे सच्चे सुख की चाह है, उसके लिए ये कार्य कठिन। उसके लिए सरल कार्य क्या है? जानना और देख। तो हम श्रमण मार्गी हैं, और श्रमण मार्गी के मार्ग में सबसे बड़ा पुरुषार्थ का कार्य है जानना देखना। कौन सा कार्य? जानना देखना। तो अभी हमको भी गुरुजनों का अनुशासन कष्टकर भी लग सकता है। देखो, मैंने आपसे एक बात कही थी, प्रैक्टिकल आप अनुभव करेंगे। अभी हम डिक्लेयर करें कि हम आगामी 5 दिन तक विधान करेंगे, और विधान का टाइम है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक। ठीक है, तो जिसकी रुचि उसमें है वो 7 से 10 तक का समय एडजस्ट करके बैठेगा निश्चित, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि चलो कुछ विशेष धार्मिक आयोजन हो रहा है, इसमें लगेंगे तो परिणाम समलेंगे, इसमें लगेंगे तो पुण्य का बंद होगा, और धर्म इसी को तो कहते हैं, उसकी दृष्टि में यही है। तो उसको लगेगा चलो 7 से 10 कोई दिक्कत नहीं, पंडित जी बैठेंगे, 5 दिन की बात है ना तो बैठेंगे। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि हमने कहा कि भाई 7 से 8:30 तक तो आपके पूजा हुए, उसके बाद में आपका कोई पाठ हो गया और फिर अपन स्वाध्याय करें। अब यदि हमने शेड्यूल को वही टाइम पे रखा, लेकिन जैसे ही उसमें स्वाध्याय को जोड़ा गया, तो सहज ही व्यक्ति अन्य कार्यों की तरफ क्यों भागता है? बोलो क्यों भागता है? उसको जानना देखना कठिन काम लगता है। अगर हम उसको ये कह देना आपको द्रव्य की व्यवस्था लेकर के विधिवत मंदिर में बैठना है, और जैसा हम यहाँ से मंत्रोच्चार करें वो क्रियाएं करना है, और जब हम कहें कि ऐसे चमर हिलाना है तो चमर हिलाना है, तो कलश लेना तो अच्छा ये ऐसा करना है, बहुत अच्छी बात है। सारा जगत क्रियाकांड को धर्म मान के बैठा है। सारा जगत सिर्फ अन्य मत की बात नहीं कर रहे हैं, जैन मत में भी जब तक दृष्टि परिवर्तन नहीं होता है क्रिया को ही धर्म मान के बैठे। मैं कहता हूं भक्तांबर है ना, तो भक्तांबर का स्वाध्याय हो सकता है कि नहीं हो सकता? और आत्मार्थ की भावना से हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेकिन भक्तांबर को क्रियाओं से जोड़ दिया गया, भक्तांबरों को विषय परिणामों से जोड़ दिया गया, तो वो अब चीज यानी कहना चाहिए आत्मिक दृष्टिकोण से दूर हो गई। हाँ, किसी ने तो मुझसे पूछा, यानी जैसे कोई एक व्यक्ति थे, मैं नाम तो नहीं जिक्र करूंगा, उन्होंने बोला कि साहब ये अब जब भक्तांबर वगैरह पढ़ो ना तो मुझे तो भाव ही नहीं लगते भक्तांबर पढ़ रहे। हाँ, बोले क्यों? क्योंकि सारे जगत ने उसको, बहुत सारे लोगों ने उसमें लौकिक वांछाओं के विषय ऐसे जोड़ लिए, मेरे को तो ऐसा लगता कि वो पढ़ता हूं तो उसी भाव का पोषण हो रहा है, यद्यपि मैं इस विषय में उनको भी उनके भी दृष्टिकोण को विचार करने को कहूंगा। देखो, अज्ञानियों की सोच से धर्म निर्धारित नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अज्ञानी क्या कर रहे हैं इससे धर्म निर्धारित नहीं होता। अरे आपको देखना है तो अनंत ज्ञानियों के मंतव्य को, दृष्टिकोण को और उनके लक्ष्य को देखो,
मैं तो कहता हूँ स्वयं मानतुंगा आचार्य को देखो, मानतुंगा आचार्य ने भक्तांबर की जब स्तोत्र रचना हुई तो किसके लिए की थी? किसके लिए की थी? ये इसके लिए की थी कि 48 ताले टूट जाएं, कि ये घटनाएं हुए तो ये हुए तो चमत्कार हो जाए, तो अच्छे हुए कि रोग हट जाए, उपसर टल जाए, इसके लिए की ही नहीं। क्या कह रहे हैं? हाँ, अरे उपसर्गों को तो उन्होंने आमंत्रित किया है मुनि धर्म को अंगीकार करके, परीक्षाओं को तो वो जीतने के लिए निकले हैं। ये तो सब राजकुमार थे, राज की सुख भोगने वाले थे, पुण्यशाली जीव थे। इन्होंने बुद्धि पूर्वक उस पुण्य को ज्यादा बड़ा उपसर्ग जान करके और कर्म रहित और शाश्वत सिद्ध दशा पाने की भावना से ये मुनि धर्म अंगीकार किया, सच्चा मार्ग जान के इसका अनुसरण किया। बात ख्याल में आती? इसलिए ये लौकिक दृष्टिकोण की बात नहीं है, ये बात कुछ अलौकिक ही है। और यहाँ क्या किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? गुरुजनों का अनुशासन भले ही कष्टकर लगे, परंतु विकारों की रक्षा के लिए कवच के समान समझकर आदर पूर्वक अंगीकार करना चाहिए। आप ये समझ लेना, भाग्यशाली वह हैं जिन्हें गुरु आज्ञा मिलती है, भाग्यशाली वह हैं जिनके ऊपर गुरुओं का हाथ है। गुरु का हाथ है मतलब सही मार्ग प्रदर्शन करने वाले हैं, स्थिति करण करने वाले हैं। कभी हम धर्म मार्ग से च्युत होते हैं तो हमें संभालने वाले हैं वह भाग्यशाली जीव जिनके ऊपर गुरुओं का। हाँ, अब मैं आपसे पूछता हूं, हम सब भाग्यशाली हैं कि नहीं है? है कि नहीं? हाँ, थोड़ा नेटवर्क जरूर डिस्टर्ब होता है और पता नहीं क्या कारण है, आज बहुत वीडियोस रुक रहे आ रहे जा रहे, पर आवाज पहुंचती है आपको। क्यों साहब? रमेश चंद जी साहब, मैं मोबाइल में 2-3-4 लोग मुझे अलग से भी दिखते हैं, स्क्रॉल करता हूं तो आवाज तो आती है, वो तो ठीक है। मेरा प्रश्न क्या था, हम भाग्यशाली हैं कि नहीं है? हैं कि क्यों हैं? इस दुसम पंचम काल में जिन देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। क्या कह रहा है? इस काल में भी हमें महाभाग्य से कलिकाल सर्वज्ञ के रूप में मां जिनवाणी प्राप्त, और उसमें वही मार्ग प्रशस्त हो रहा है जो साक्षात चौथे काल में दिवधनी में वितरागी भगवंतों के द्वारा होता था। अगर मार्ग पे सम्यक श्रद्धान है तो आज भी हम निगुरा नहीं है। टोडामल जी साहब ने ऐसा कहा कि यदि आप ऐसी परीक्षा प्रधानता करते हुए गुरु को स्वीकार करोगे और जिनके असंयम है, जो मार्ग विरुद्ध आचरण है, उन्हें गुरु रूप में नहीं मानोगे तो लोग आपको निगुरा कहेंगे। ऐसा शब्द प्रयोग किया, गुरु नहीं होंगे तो कैसे होगा? मैं आपसे प्रश्न करूंगा, आप विचार करके उत्तर देना। हाँ, पिताजी का संयोग होना पिताजी हैं ऐसी बात है कि पिताजी के प्रति विनय आदर और उनके प्रति अपनत्व भाव है तो पिताजी? दूसरी बात की पहली बात, पिताजी के संयोग को पिताजी होना कहेंगे कि उनके प्रति आदर और विनय होगा तो उनका होना कहलाएगा? हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर दूसरी बात है तो वो है हमारे पास, आज भी है। क्यों है? कि जिस पद का प्रदर्शन उन्होंने किया था हम उस पर बढ़ रहे हैं। वो भी यही चाहते थे कि तुम इस पद पे बढ़ो, इसी से बढ़ोगे तो सुखी होगे। यदि हम आज्ञा मानते हैं परीक्षा प्रधानता पूर्वक तो निश्चित हम कभी गुरु रहित नहीं है। और गजब की बात है, दर्शन स्वामी ने तो कहा इन गुरुओं के द्वारा जो प्ररूपित आत्म तत्व है वही तेरा आत्मा वास्तविक गुरु है। क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा ही वास्तविक गुरु है। तो यद्यपि आत्मानुशासन कठिन भी लगे तो भी आत्मा की रक्षा होती है ऐसा जानकर उसके पालन में शिथिल नहीं होना। क्या कह रहे हैं? आत्मानुशासन कठिन भी लगे, आत्मानुशासन मतलब गुणभद्राचार्य का ग्रंथ कह रहा हूं वो नहीं, आत्मानुशासन मतलब ये मोक्ष मार्ग की आराधना लौकिक दृष्टिकोण से कठिन लगती है। क्यों साहब? जिस व्यक्ति के जीवन में अष्टमूल गुण का पालन नहीं हो, छने पानी का नियम नहीं हो, देवसाद गुरु के भक्ति पूजा आदि का नियम नहीं हो, सटावश्यक नहीं पालन करता हो, उसके लिए तो धर्म 10 ही दिन वाले हैं ना? और वो भी 10 दिन वाले कौन से हैं? देखा देखी परंपरा वाले, कहा जाए तो भाव शून्य क्रिया वाले। हाँ, तो उसके लिए कोई कह दे जब भाई 10 दिन तुम कर ही लेते हो, संयमित जीवन जीने का अभ्यास कर लेते हो तो 365 दिन करो, क्या दिक्कत है? अरे नहीं नहीं साहब, इतना बहुत है। हाँ, इससे ज्यादा धर्म नहीं होता अपने से।
जब तो ऐसी होती है, परिणति ऐसी रहती है ना, तो 10 दिन तो कर लिए खींचतान के, और 11वें दिन के साथ स्थिति कैसे होती है? हाँ, ऐसी स्थिति होती जैसे स्प्रिंग को दबा के रखा गया था और जैसे ही हाथ उठाया तो उछला। क्या मैंने ऐसा प्रसंग देखा था, अनावश्यक किसी को भी दबाव नहीं डालना धार्मिक दृष्टिकोण से, उसको तो तत्व का उपदेश दो और उसे स्वयं विवेक से निर्णय करने दो सही और गलत का, अपने को किसी को अननेसेसरी दबाव नहीं डालना। एक हमारे मतलब कहना चाहिए पाठशाला प्राध्यापक थे बहुत पहले कभी, तो वो इस विषय में थोड़े कई चीजों में बहुत सख्त थे, छोटे बालक भी थे ना, पटाखे नहीं फोड़ना, ये नहीं करना, ऐसा नहीं करना, चिटपिटी भी नहीं फोड़ना। चिटपिटी समझते हो आप, चिटपिटी किसको कहते हैं? चिटपिटी छोटी सी बच्चों के खेलने की आती थी, ये इसमें भी हिंसा होती। अब ठीक है, उपदेश दिया जाए अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है व्यक्ति की भूमिका और योग्यता क्या है? उसे ज्ञान कराइए, उसको उसकी भूमिका अनुसार अपने अनुसार व्रत आदि पालन करने के लिए मानस तैयार कराइए, उसका स्थितिकरण करिए, लेकिन उसको दबाव मत डालिए। और कदाचित कोई उस आज्ञा अनुसार पूरा प्रवर्तन भी ना कर सके तो उसको हीन दृष्टि से भी नहीं देखिए, क्योंकि तो पुरुषार्थ का खेल है, जीव का परिणाम बदलेगा और एक समय में वो अपने से पहले आगे बढ़ सकता है। तो होता क्या था कि वो उस विषय में थोड़ा दबाव रहता था। अब अपने बच्चे हैं तो ठीक है, अपन अपने बच्चों पर नजर रख लें, लेकिन दूसरे के बच्चों पर कहां तक नजर रखोगे? हाँ, तो अपन पूछ ही सकते थे, बोलो किसने फटाके फोड़ा, हाथ उठाओ। अब बच्चे तो पाठशाला में आके सच ही बोलेंगे ना। हाँ, अब अगर मान लो अपन ने सच बोल दिया, हाँ हमें फोड़े, नहीं गलत बात है, गंदी बात है। क्या अब होता क्या था कि अपने ही बालकों को यदि आपने इस विषय में बहुत दबाव में रखा कि तुमको नहीं फोड़ने देंगे, तुम नहीं करना, तुम ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, हुआ क्या, मैं प्रत्यक्ष घटना अपने जीवन की बताता हूं कि मैंने देखा कि वो पिताजी के सामने तो कुछ ना करे, वो बाहर जाए तो दोस्तों के यहाँ जाए, रस्सी बम फोड़े। क्या कहें, रस्सी बम फोड़, रस्सी बम समझ रहे हैं, बड़े वाले वो बम फोड़े, और पिताजी के सामने क्या बोले, हम तो कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते हैं। अब वो एक बार ऐसा योग संयोग बना कि वो कहीं बम फोड़ रहा था और नजर पड़ गई अपनी, अब वो बम तो उसका वहां फूटा और इधर आत्मा उसकी कंपित थी, अगर इन्होंने बता दिया तो क्या होगा, बता दिया तो क्या हो, बता दिया तो क्या हो। यद्यपि मैंने बताया तो था, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से बताया उस समय भी, कि मैंने कहा इस विषय में अपने को भी बहुत विचार करने की आवश्यकता है, क्या कह रहे हैं। इसलिए देखो, ज्ञान तो कराओ, परंतु ज्ञान पूर्वक निर्णय और दृष्टि परिवर्तन करना ये जीव की स्वयोग्यता पे निर्भर करता है, इसको कोई आप प्रेशर करके उस पर काम नहीं करा सकते। लेकिन महाभाग्य से कोई मार्गदर्शन दे और उसे अनुशासन में रहने की प्रेरणा दी जाती हो तो उस अनुशासन को अपने प्रति हितकारी जानना, उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहा, गुरुजनों का अनुशासन भले ही कष्टकर भी लगता हो, परंतु विकारों की रक्षा के लिए कवच के समान समझे। हाँ, किसकी प्रेरणा दी जा रही है? एक ब्रह्मचर्य धर्म के आराधक जीव को प्रेरणा दी जा रही है। आप और हम सब के लिए प्रेरणा है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? हाँ, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। क्या कह रहे हैं? इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे, मालूम है धवला जी का जो क्या कहते प्रस्तावना संपादन किया गया ना, उसमें ये लाइन डाली गई, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना। इस पथ का यानी मेरे पथ का, मेरा मार्ग जो है वो कहीं रुक जाने का नहीं है, हम तो बढ़ने के लिए आए हैं। अरे बढ़े हैं कि नहीं, निगोद से लेकर के ये इधर तक आए हैं, संगी पंचेंद्री जैन कुल तो बढ़े हैं कि नहीं, आगे उत्थान हुआ है ना, तो यहीं तक आने के लिए कि यहां से भटक के लौट जाने के लिए, कि नहीं यहां से आगे बढ़ने के लिए यहां तक आए। इसलिए थोड़ा कष्ट भी हो तो भी अपना हित जानकर उसको स्वीकार कर। आजकल तो वैद्य नहीं देखने को मिलते, नहीं तो पहले वैद्य होते थे ना,
और उनके पास आप अपना फोड़ा लेकर के जाओ, फोड़ा लेकर के जाओ कि साहब ये फोड़ा हो गया, वो बहुत तकलीफ दे रहा है। तो अपन क्या बोलते थे कि डॉक्टर साहब छूना भर मती, बाकी दूर से देख के जो कह रहे सो कर दो है। और वो कहते थे जब तक मैं छू के नहीं देखूंगा तब तक मैं कोई दवाई देने वाला नहीं है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आपको स्वयं भी जीवन में कभी अनुभव होगा, जब वो छूते थे तो धीरे से छूते थे कि जोर से छीते थे ना? भेद ज्ञान करा देते थे क्या? हाँ, ऐसा दबाया एक बार जम के आवाज निकल गई अंदर से, चीख उठा, क्या करते हो क्या करते हो। हाँ अब समझ में आ गया कि तकलीफ कितनी गहरी है, क्या कह रहा है, और समाधान है कि नहीं है। ये दर्द का अनुभव हुआ, समाधान निश्चित है। ये विकार जो तूने अंदर पाल के रखा, इसको निकाले बिना तू इससे विकार रहित होने वाला नहीं। तो दबाना तो पड़ेगा, गुरुजनों का अनुशासन थोड़ा सख्त तो होगा, क्या कह रहे हैं। पर ये शक्ति हमें निर्विकार होने के लिए है, ये मार्गदर्शन हमें विकारों को जीतने की कला सिखाने के लिए, इसलिए इसे कवच और अपना हितकारी जानकर स्वीकार करना। अगला पॉइंट, धार्मिक व्यवहार के नाम पर भी बहुत आरंभ युक्त निर्माण कार्य। देखो एक ब्रह्मचारी और ब्रह्म धर्म के आराधक जीव को प्रेरणा चल रही है, क्या कह रहे हैं, धार्मिक व्यवहार के नाम पर भी बहुत आरंभ युक्त निर्माण कार्यों, पंचायतों और संस्थाओं के प्रपंचों में नहीं उलझें। क्या कह रहे हैं, निर्माण के विकल्प में इतना नहीं उलझ जाना। ये मैं अपने दृष्टिकोण से अपनी बात कहता हूं कि निर्माण के विकल्पों में इतना नहीं उलझ जाना कि निर्वाण से दूर हो जाए। क्या निर्माण विकल्पों में निर्वाण दूर हो रहा है? मैं आपसे ईमानदारी से बात कहूं, पहले मंदिर एक था तो समाज में एक यूनिटी थी, फिर कतिपय लोगों को थोड़ा सा कहीं पर ऐसा धर्म आराधना में समस्याएं दिखने लगी और धर्म आराधनाओं में तकलीफ हुई तो अलग अलग मंदिर हुए। क्या कह रहे हैं, मंदिर अलग अलग हुए ना, क्योंकि वहां विचारधाराएं टकराती थी, वहां आराधना में थोड़ी तकलीफें होती थी, इसलिए मंदिर अलग हुए। लेकिन हमारा उद्देश्य मंदिर बनाना था कि मन को मंदिर रूप में स्थापित करना, मंदिर बनाना था। हाँ मंदिर तो थे हमारे पास, हाँ हमें तो जो भगवंत के मार्ग का आराधना करनी थी वो देवसाद गुरु के बिना संभव नहीं थी, और वहां हमें परेशानी थी तो अलग से मंदिर बना के आराधना करने बैठ गए। भाई एक नए कॉलोनी में गए, वहां मंदिर नहीं था तो मंदिर बना लिया। तो काय के लिए मंदिर बनाया था, मंदिर में बैठने के लिए मंदिर बनाया था कि मंदिर के नाम पर सांसारिक को हल्ला करके और अपने जंजालों में फंसे रहने को बनाया था। क्यों बनाया था मंदिर? हाँ कि मंदिर अपने हित के लक्ष्य से बनाया था, अपना हित उसमें हो तो उसमें समय देना चाहिए, ना कि इनके कारणों में अन्य व्यवहारिक प्रपंचों में उलझ जाना। हाँ मैं ईमानदारी से बात कहूं, अब बड़े मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मंदिरों के विस्तार की बहुत आवश्यकता नहीं है, अब तो विकल्पों के विस्तार को सीमांकित करने की आवश्यकता है। हाँ संकल्प विकल्प जंजाल, आज सुबह आई थी ना अपने 10वें नंबर के कलश में, विलीन संकल्प विकल्प जालम। संकल्प ये राग द्वेष का परिणाम, यदि लक्ष्य से हटोगे तो धर्म के नाम पे भी राग द्वेष ही होने वाला। सच बात कहूं, आत्म आराधक जीव व्यवस्थाओं के चक्कर में उलझते ही नहीं, व्यवस्थित रहते हैं। हाँ और जिनको व्यवस्था और व्यवस्थाओं का कर्तृत्व का व्यामोह है वो आत्म आराधना से दूर ही रहते हैं। बात खरी हो और कड़वी हो तो भी उपकारी जान करके गटक लेना, ज्यादा स्वाद मत लेना, गटक लेना, बाद में लाभ प्रतीत हो तो समझ लेना दवाई काम की थी ना? और थोड़ा बहुत स्वाद भी आ जाए तो घबराना नहीं, चिरायता होता है ना, चिरायता आयुर्वेदिक में चिरायता होता, कड़वा होता है, किस काम आता है ना? वो जीर्ण ज्वर होता है ना, जो आदमी को शिथिल करके रखा हुआ है, काम करने में उत्साह नहीं है, प्रमाद में पड़ा हुआ है, चलते फिरते नहीं बनता है, कहने को तो कहे तो बुखार कुछ नहीं दिख रहा लेकिन अंदर से टूटा हुआ पड़ा हुआ है, ऐसे बुखार को निकालने के लिए चिरायता देते हैं।
अब ये चिरायता स्वाद में बड़ा कड़ऊ होता है, हाँ तो लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, कि लेना तो पड़ेगा, जीर्ण ज्वर को मिटाना है तो लेना तो पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं आत्म आराधना का लक्ष्य है तो बाहर व्यवहार धर्म के नाम पे बहुत विकल्पों में नहीं उलझना, अपने आत्म आराधना के लक्ष्य को सर्वोपरि करना, और इसमें उलझ गए तो निश्चित समझ लेना आत्म कल्याण के लिए समय मिलने वाला नहीं। इसलिए लिखा है ऐसे आरंभ युक्त निर्माण कार्यों, पंचायतों, संस्थाओं के प्रपंचों में नहीं उलझे। बहुतायत समाज में कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि समाज में लोगों को जोड़ना है, धर्म आराधना में लगाना है, मंदिरों में संख्या घट रही है, तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ क्या तरीका है कि बहुत लोग उस धर्म मार्ग में जुड़ जाएं, वो मंदिर आने लगे, उनकी रुचि इधर लग जाए, हाँ कि होर्डिंग बोर्ड टांग दे शहरों में कि धर्म करने से पुण्य का बंध होता है, पुण्य से स्वर्ग आदि प्राप्त होते हैं, संसार के दुख मिटते हैं, इसलिए हे भाई यदि तुम्हें सुखी होना हो तो मंदिर रोज आओ, ऐसे होर्डिंग बोर्ड टांग भी दें तो क्या लोग आने लगेंगे? गजब की बात है, लोग नरकों के दुखों को देख के भयभीत नहीं होते। क्या कह रहे हैं? प्रत्यक्ष में संसार की क्षणभंगुरता, अनित्यता, असरणता को देख करके भयाक्रांत नहीं होते हैं, तुम्हारे कहने से कौन आ रहा है? ये आएंगे कैसे? इनको थोड़ा सा अपना हित भासित होने लगे, धर्म करने वाले जीवों की परिणति देख के इनको ऐसा लगे धर्म में ही सुख है, तो ये दौड़ लगाएंगे, ये खुद आएंगे। क्या हाँ आपको मालूम है हलवाई की तरीका क्या होता है? हलवाई की दुकान में जाओ आप, स्वीट्स की कॉर्नर पे स्वीट दुकान में जाओगे तो उसका तरीका क्या होता है? उसका काम होता है सिर्फ अपनी मिठाई का थोड़ा सा पीस चखाना, बस थोड़ा सा। अपन बोले नहीं हमको ले, अरे आप लो ना लो, चख तो लो। क्यों चख लो? क्यों चख लो बोलो आप, क्यों चख लो? हाँ उसको मालूम है इसको स्वाद जम गया ना, और ये इज्जतदार आदमी है, मुफ्त की खा के नहीं जाएगा। जो मुफ्त खोर है उसको खिलाई भी नहीं जाती। जिसकी आदत ही हो ना, जिसको मालूम है कि दुकान में आके खड़ा हुआ और उनने पीस किसी को दिया और ये भी मुंह दिखा रहा है कि जरा चखाना मेरे को भी, तो वो कह देगा कि नहीं नहीं आपके लेवल की नहीं है, बहुत महंगी है, काजू कतली है ये। हाँ मालूम है ना तुम्हारी फितरत, ये मुफ्त की आदत है, तो किसको खिलाई जाती है? जिसमें योग्यता दिखती है, जिसकी क्षमता दिखती है, तो उसको कहते चख के तो देखो साहब। हाँ मुझे मालूम है, जैसे अपन कई बार निषेध भी कर दे, अपन गए बच्चों को लेके, तो वो क्या करते थे, अपने को नहीं खिलाए तो बच्चों को खिला दे। क्यों? ये मोही जीव है, ये बच्चा भी उछलेगा ना मेरे को चाहिए, तो पिताजी के जेब से नोट ढीले होने वाले। क्या कह रहा है? उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो खोटा नहीं किया है, बहुत समझदार चतुर व्यापारी है। धर्म मार्ग में भी प्रेम वात्सल विनय आदर के साथ जितना तत्व जो जैसे बने वैसे परोसा जाए और अपने आत्मार्थ की भावना से किया जाए, जगत जन स्वयं उसमें अपना हित जान के जुड़ते जाएंगे। और जहां राजनीति ने प्रवेश किया, जहां पर थोड़ा सा अभिमान मान प्रतिष्ठा ने प्रवेश कर लिया, बस आप मंदिर सोने होते चले जाएंगे। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जो मन शिव सुंदर नहीं बना, पर की पीड़ा में मोम सा, पर की पीड़ा में मोम सा गलना है साधना, पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, पाना नहीं जीवन है साधना। क्या कह रहे हैं? मंदिर मिले हैं तो अब मन मंदिर बनना चाहिए, अब नए नए मंदिरों के विकल्प नहीं करो। भगवान को इस बात से कोई प्रसन्नता नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी प्रतिमा विराजित की है। क्या कह रहे हैं? कि तुमने बहुत बड़ी प्रतिमा विराजित की तो तुम्हारे बहुत बड़े परिणाम है, तुम जल्दी संसार से छूटोगे भी 1% की गारंटी नहीं है। 1% की गारंटी नहीं है। ये वितरागियों का मार्ग है, यहाँ परिणामों का फल लगता है, अभिप्राय का फल लगता है,
आपके ये सब विकल्प जंजालों से कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। देखिए अगला पॉइंट, यथायोग व्यवहार द्वारा धर्म मार्ग में स्थितिकरण एवं तत्व की प्रधानता रखें, मात्र राग पोषण नहीं, धर्म मार्ग में तत्व की प्रधानता होनी चाहिए, राग पोषण नहीं होना चाहिए। हर आयोजन का लक्ष्य आत्मार्थ की भावना हो चाहिए, वितरागता की वृद्धि होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए। अगर मैं फिर दुखती हुई रख पे हाथ रख दूं तो क्षमा करना, क्या है? कौन सी दुखती ही रख? धर्म के नाम पर जो हम सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य आयोजन विकल्प जंजालों में उलझते हैं ना, ये वास्तव में देखा जाए तो इसमें आत्मार्थ की कहीं भावना नहीं है। कषाय का पोषण विशेष होता है, क्या हाँ? मेरे तेरे का चक्कर बहुत चलता है, मे को पूछा नहीं, इसको पूछ लिया, इसको इसको फर्स्ट प्राइज दे दिया, उनका तो अच्छा नहीं था, उनको कैसे मौका दे दिया हाँ? और ईमानदारी की बात कहूं, विज्ञान वाटिका निकलती है, विज्ञान वाटिका हाँ? काई के लिए निकलती है, प्राइस कितना है उसका, प्रथम पुरस्कार कितना है, 21,000 रुपया। अरे पंडित जी हमको पता नहीं था, कहां से मिलेगा फॉर्म बता दो हैं? वो भी बता देंगे, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? कोई 11,000 21,000 ये सब राशि देना, ये कोई उद्देश्य होता है क्या ना? उद्देश्य ये नहीं था, आपको एक निश्चित समय में इतने ग्रंथों का अभ्यास हो, इतना आपका उपयोग उसमें लगे, थोड़ा आपका ज्ञानार्जन हो, आत्माराधन हो, परिणाम विशुद्धि हो, भगवंतों का मार्ग समझ में आए, ये उद्देश्य था हाँ। तो वहां पे अपन ने पूरा उपयोग लगा दिया 6 उपसम को बढ़ाने, इधर उधर पूछताछ, इसका क्या उत्तर, ऐसा क्या है, ये क्या है, वो क्या है हाँ। मैं कहता हूँ प्रयोजन सिद्धि क्या हो? ये 6 उपसम की कसरत का नाम आत्माराधना नहीं है। यद्यपि मैं कोई ऐसे प्रयोजनों को निरर्थक भी नहीं कह रहा ये सब व्यवस्थाओं को, लेकिन इसमें अगर आपका अभिप्राय लोकेशणा और लोभ आदि कषाय की पुष्टि है तो इसमें आत्म कल्याण कहीं दूर दूर तक नहीं, दूर दूर तक नहीं हाँ। इसलिए ऐसे प्रपंच विकल्पों में नहीं फंसना। कॉम्पिटेटिवली ऐसे कार्यक्रम मंदिर आदि में आयोजित नहीं करने चाहिए जो राग पोषक हो। देखा गया तो कुछ नहीं, वो टीवी वगैरह में कोई प्रोग्राम देख लिया, जैसा वहां चलता था बस यहाँ पे नाम परिवर्तन कर दिया, वही प्रक्रिया पूरी यहाँ डाल दी हाँ, और बोला गया बहुत साफ सुंदर धर्म आराधना हुई, बहुत लोगों ने लाभ लिया, बहुत लोगों ने मजा लिया, और पता चला कषाय के अलावा हाथ में कुछ नहीं आया। ऐसा देखने में आता है बहुत आए, अब तो फिर भी बहुत कुछ सुधार हो रहा हाँ, नहीं तो धर्म के नाम पे मटका फोड़ और कुर्सी दौड़ ही चलते रहते थे। देखा आपने हम लोगों के यहाँ होते थे मटका फोड़ प्रतियोगिता, बोले किसके नाम पे, तो बोले भगवान महावीर स्वामी की जय, जा भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव पे मटके फोड़े जाएंगे, हाँ मटके फोड़ेंगे। मुश्किल से तो आंखें खुलने का टाइम था, तो आंख पे पट्टी बांधो और लट्ठे चलाओ हाँ, और नहीं तो फिर कुर्सी दौड़। वैसे ही तो मान प्रतिष्ठा में परेशान है, ये कुर्सी की पकड़ छूटती नहीं है, और लो कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता, एक दूसरे को धक्का मार मार के परेशान, मैं बैठूंगा, बोले किसकी कुर्सी, बोले महावीर की कुर्सी। बहुत अच्छा, क्या कहते हैं, यथायोग व्यवहार द्वारा धर्म मार्ग में स्थितिकरण एवं तत्व की प्रधानता रखें, मात्र राग पोषण हो, इसको धर्म नहीं कहा जाता हाँ। अभी देखो अपन आत्म आराधना की भाव से भी यदि सत्य को नहीं स्वीकार करने की हिम्मत कर पाएंगे तो सत्य प्राप्त कैसे होगा, वो किस भूमिका तक, कब तक ये बात कहेंगे साहब कमजोरी है, जगत है, चलता है, संसार में ऐसे ही चलता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको संसार में चलना है कि संसार से चल के निकल जाना है? चलता है तो सब जगह चलना पड़ेगा, 4 गति 84 लाख योनियों में चलना पड़ेगा, ये जो बात कहते ना, अरे अभी क्या उम्र है, अभी कौन सी अवस्था, अभी तो सब चलता है हाँ? एक आत्मार्थी को सब नहीं चलता, उसे सिर्फ वितरागियों का मार्ग चलता है और उनके द्वारा प्ररूपित धर्म चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। देखना, सुंदर वस्त्र आदि गरिष्ठ भोजन द्वारा राग बढ़ाना ठीक नहीं है, मंदिर दर्शन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं है।
धार्मिक आयोजन विशुद्धि के लिए, आत्मकल्याण की भावना के लिए, विषय कषाय वृद्धि करने के लिए नहीं है। मैं सच बात कहूं कि कुआं में भांग पड़ गई है तो बड़ी समस्या है आज, हाँ, गंगा में अपवित्रता हो गई है, अब तुम कितना नहाओ वाली समस्या है, इससे बेहतर है अपना लोटा छानो। हाँ बोले साहब, ऐसा पंचकल्याण की तैयारी करना जैसा आज तक नहीं हुआ था। मुझे किसी ने कहा था, पंडित जी जितने भजन आप तक आज तक लिखे ना, उससे बढ़िया लिखना, हमारे यहाँ के पंचकल्याण के लिए उससे भी बढ़िया लिखना, उससे भी बढ़िया लिखना। मैं कहा कैसा वाला पंचकल्याणक हो रहा है, मूल जो हुआ था उससे भी खतरनाक होने वाला है क्या अपना, है? अरे साहब अपने को ऐसा करना है, दुनिया ने आज तक नहीं देखी होगी। मैंने कहा दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी काम होगा उद्देश्य भ्रष्ट है, उद्देश्य से विहीन हो गए, दुनिया को कुछ नहीं दिखाना, हमें अपना आत्मार्थ की भावना से काम करना है, निज कल्याण के हेतु कल्याणक, भगवंतों के कल्याण निज कल्याण की भावना से मनाए जाए वो सर्वोत्कृष्ट है। मैं आपसे पूछता हूं, जो तीर्थंकर की माँ को स्वप्न आए थे वो कौन से आए होंगे, 3D आए होंगे, 2D आए होंगे, 4D आए होंगे, कौन से स्वप्न आए होंगे? सुनो जी मन देखे 16 सपने, वो कौन से वाले सपने थे बताओ, 3D 4D है? कौन से वाले सपने थे, क्या कहते जयंती लाल जी, आपने देखे सपने? हाँ साहब हमने भी देखे, हमने 3D सपने देखे, 3-dimensional सपने, 2-dimensional सपने। अरे तेरे लक्ष्य तो डायमेंशन में इधर उधर अटक रहा, इधर भटक रहा, लेजर लाइट, लेजर शो। हाँ बोले साहब वो सौधर्मिंद्र आदि भी तो करते थे ना, सौधर्मिंद्र आदि ऐसे विकल्प जंजालों में नहीं उलझते थे, क्या तत्व अभ्यासी हैं, एक भव अवतारी हैं, आत्म आराधक जीव हैं, भगवंत के प्रति भक्ति आती है तो नृत्य भी होता है, और भगवंत स्वरूप का चिंतन होता है तो उन जैसी ध्यान एकाग्रता भी होती है। इसलिए सुंदर वस्त्र आदि, गरिष्ठ भोजन द्वारा राग बढ़ाना ठीक नहीं है, घरेलू व्यवहार को भी अत्यंत गौण रखें, ऐसे प्रसंगों में स्वयं भी सावधान रहें, घर के कार्यों में भी इतना प्रपंच नहीं बढ़ा लें कि उसी में उलझे रह जाएं। हाँ क्या लिख रहे हैं हमारे अब्दुल भाई, कुछ मैसेज डालते हैं, राजा चामुंड राय को भी मान के कारण अभिषेक नहीं कर पाए ऐसा सुना था। अच्छा अब मैंने खैर अभी इस विषय में जानकारी नहीं है, अगर कहीं हो बात तो मान महाविश्व रूप करहीं नीच गति जगत में, अपने तो एक सिद्धांत है उस हिसाब से समझ लें। हाँ कि मान कषाय आ गई हो किसी को तो आश्चर्य की बात नहीं, हमने बनाया, हमारे नाम से है, हमने स्थापित की। हाँ अरे ये मान कषाय कोई उनको हो ऐसा नहीं है, अगर हमारे को भी ऐसा लगता है कि पूरे मंदिर में ये भगवान मेरे हैं और बाकी भगवान बाजू वाले के हैं तो अभी हम वितरागी को वितरागी कहाँ देख रहे हैं। बोले पंडित जी आप शिखर जी जाओगे ना तो जब 13 पंथी कोटि में जाओगे ना और उधर मंदिर में जाओगे ना तो वहां पे एक भेदी है, उसमें देखना नीचे हमारा नाम लिखा है। हा? मैंने कहा अभी वहां इतने तीर्थंकर भगवंत विराजते हैं कि कोई पूछे कि महावीर भगवान की कितनी प्रतिमा है हमको ये नहीं मालूम, तो तुम्हारा नाम कौन देखने की फुर्सत है। लेकिन वो साहब हमारी भेदी है, हमारी वेदी, हमारे पिताजी ने स्थापित की थी, हमारे दादाजी ने बनाई थी, उस पर जो भगवान बैठे वो हमने स्थापित किए। ये परिणाम आत्मार्थ की भावना नहीं है ना, नहीं तो ये राग द्वेष में वीतरागियों के भी राग द्वेष में तोलने लगेगा, ये मेरे भगवान इनका प्रक्षाल मैं करूंगा, इनकी पूजा मैं करूंगा, इनका अधिकारी पहले मैं हूं बाद में दुनिया है। तू भगवान के निकट भी जाकर के भी और क्षण मात्र के लिए भी शांति सुख का वेदन नहीं कर पाता, वीतरागता का रसास्वादन नहीं कर पाता, क्योंकि अभी भी दृष्टि में राग की धारा चलती है, कषाय की धारा चलती है। देखिए घरेलू व्यवहार को भी अत्यंत गौण ही रखें, सारे जगत में ये व्यवहार के नाम पर बहुत व्यस्तता और त्रस्तता चलती है ना। बोलो शादी विवाह की तैयारियां कितने दिन पहले से होती है? हाँ सही है, थोड़ा किसी को प्रमाद आ रहा हो तो जग जाना, हाँ हाँ थोड़ा हिल डुल लेना, जग जाना। आपको पता है
पहले के समय में जब अनाज लेने जाते थे वो घड़े में भरते थे, पात्र में भरते थे, और वो समाता नहीं था तो क्या करते थे, हाँ ये थोड़ा हिलाए, हाँ हिलाया और थोड़ा ठोंक ठाक दिया तो अंदर फंस गया, ला और डालो हाँ, ऐसे कहीं थोड़ा प्रमाद अमाद आ रहा हो, ये तत्व को अंदर प्रवेश करना तो थोड़ा हिला लेना अंदर तक अपने आप को। हाँ न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। न समझो अभी मित्र, क्यों साहब रात हो रही कि दिन हो रहा है, रात हो रही कि दिन हो रही है? अरे ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे तो दिन हो गया, और नहीं तो मोह की रात्रि तो अनादिकाल से पड़ी हुई है। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुं और सर्वस लूटे सुध नहीं। हमारे रतन जी कह रहे हैं सही पकड़े हैं साहब, हम किसी को नहीं पकड़ रहे यहाँ तो पंडित जी कह रहे हैं व्यवहार को ज्यादा नहीं पकड़ना, व्यवहार को ज्यादा नहीं पकड़ना, व्यवहार के चक्कर में जीवन चला जाता है। शादी की तैयारी कितने दिन पहले से होती है? आइडल शादी करना, आइडल मतलब जगत में जिसको प्रसिद्धि प्राप्त हो सके, जो शादी अच्छी निर्वाहित हो, जिस शादी में सुख ही सुख की प्राप्ति करना हो, तो वो शादी कितने दिन पहले से तैयारी करना पड़ती है? हाँ? कितने दिन? कि तुम कितने ही दिन पहले से तैयारी कर लेना, वो होना नहीं होना सब उदय भवितव्य के अधीन है। हाँ मैंने आपको एक प्रसंग सुनाया था, बुंदेलखंड में बहू जब आती है ना तो पानी उतारा जाता है उसका, ऐसे पानी उतारते हैं बहू का, हैं गृह प्रवेश कराते, घर में बुलाते, पानी उतारते कलश में लेके, ऐसे 3 बार ऐसे उतारते फेंकते। तो ऐसा एक प्रसंग बना, हमारे पिताजी थे बुंदेलखंड में, सागर की बात है, तो बहू घर आई तो वो पानी पानी उतारो पानी उतारो पानी उतारो, भीड़ मच गई, वो बुआ भी आ जाओ, मनानी भी आ जाओ, दादी भी आ जाओ, सब जाओ। हमारे पिताजी ने कह दिए, पापा थे, कि भैया और कोई बचा है तो वो भी उतार लो, फिर कल उदय अनुसार पता नहीं कौन किसका पानी उतारेगा, हो सकता वो सबका उतार दे। क्या कह रहे हैं? अब भविता विभाग के ऊपर है, उतार लो पानी, बलाएं हटा लो, पर बलाएं आ सकती कि नहीं आ सकती? सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय, जो निश्चित है वो होता ही है। ज्यादा व्यवहार विकल्पों में नहीं फंसना, ये मत सोचना कि हम जगत को प्रसन्न कर लेंगे व्यवस्थाओं को दिखा करके। रागी कभी राग के साधनों में संतुष्ट नहीं होते, संतोष वीतरागता में ही है, राग में संतोष होता ही नहीं है। आप कुछ कर लेना है, ये तो काम ही ऐसा है राग का, इसमें ना खुद को सुख होता है ना दुनिया को सुख होता है। और ये तो कहावतें प्रसिद्ध हैं, ये तो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, अलग बात है लौकिक में भी ये कहावत प्रसिद्ध है। हैं क्या कह रहा है, सुना है ऐसा कहावत आपने? ये जो शादी विवाह है ना उसको क्या कहा है? ये दिल्ली का लड्डू है, जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, और जिसको खिलाए वो भी पछताए, खिलाने वाला भी पछताए और खाने वाला भी पछताए ना। क्यों? राग में सुख होता ही नहीं, इसलिए यहाँ प्रेरणा दी, ज्यादा व्यवहार में नहीं फंसना, थोड़ा बहुत तो भूमिका अनुसार होता है, वो भी मर्यादा अनुसार होए तो करो, और उसको भी निरपेक्ष होके करो। जगत क्या सोचेगा क्या करेगा ये बात नहीं, हम आगम पद्धति से करते हैं, हम धर्म मार्ग अनुसार करते हैं। अच्छा लगे बुरा लगे, कोई बुरा कहो या अच्छा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें अच्छा और बुरा देखना है धर्म नीति के अनुसार। देखिए अगला एक पॉइंट और लेते हैं, दूसरों के यथायोग्य सम्मान का ध्यान रखें, अपने से छोटों को भी दोषों के प्रति सावधान करते हुए निरंतर प्रोत्साहित करते रहें, ईर्ष्यावश ऐसा नहीं विचारें कि मैं सर्वोपरि बना रहूं। क्या कह रहे हैं? छोटा भी हो गलती हो तो उसको सुधार करके प्रोत्साहन दो कि आगे बढ़ो तुम। हाँ मैं आपसे पूछता हूं, हमारे पप्पा जी बैठे ना, पप्पा जी एक बात कहते हैं, अपने लड़के को बिजनेस कब सिखाना और सिखाना कि नहीं सिखाना, अपना व्यापार उसको सौंपना है तो कब सिखाना, कि जब अपन मरने की कगार पे आ जाएंगे जब सिखाएंगे? कि नहीं बेटा अब हमारी उम्र है, तुम जल्दी सीख लो, तुम संभालो, हम निवृत्त होते हैं। हाँ ऐसा बोलते हैं, वो तो बैठे हैं सामने, तो मैं तो उनके साक्षी में बात कर रहा हूँ, ये शब्द है उनके, अपने सामने सिखाओ। क्यों?
अपने सामने सीखेगा तो कमी होगी तो सुधरने के अवसर है। सुधारेंगे ना, अपना लड़का है तो सुधारेंगे कि भाई देखो ये चीजें अच्छे, ये इसका ध्यान रखोगे तो कुशल व्यापारी कहलाओगे। तो सिखाओगे ना, तो कब सिखाना, अपने सामने सिखाना, उस सिखाते में प्रोत्साहित करना। थोड़ा नुकसान हो जाए तो ये नहीं कहना कि गधे की लड़के हो, ऐसा मत कहते ना। गधे के गधे ही रहे, तुम कभी नहीं सीख सकते। गधे के गधे, गधे के गधे मतलब गधे के गधे मतलब बड़ा गधा कौन, बड़ा गधा कौन, वो ही जिसने गधा कहा। गधे के गधे, तो गधे के गधे रहे, कुछ नहीं सीख सकते, ऐसा कह करके वो ये समझ जाता है एक गधा ही है, एक गधे को दुलत्तीच मारना है आगे जाकर के, समझ रहे। प्रोत्साहित करना, और प्रोत्साहित करके उसमें कोई दोष है तो सुधारना और उसे प्रेरित करना। ये तुम ये कार्य करो, ये लौकिक दृष्टांत दिया, यद्यपि इसको धर्म मार्ग में लगाने की बात की गई। दृष्टांत मैंने लौकिक दिया, कदाचित व्यापार आदि काम में बहुत चंचल ना भी हो लेकिन धर्म मार्ग में उत्साहित हो तो उसको प्रेरित करना, बेटा चिंता नहीं करना, उदय अनुसार व्यवस्थाएं मिलेंगी, थोड़ा समय रोजगार आजीविका में लगाओ और आत्मित में इस काम में लगाओगे, हमें बहुत प्रसन्नता होगी। क्या मैं आपसे एक सच बात कहूं, जिनवाणी की साक्षी में, यदि मेरे पिता ने भी मुझे ये सोचा होता कि तुम तो बाहर ही रहो, बाहर ही पढ़ो, खूब कमाओ, तो आज मुझे नहीं लगता कि ना तो मैंने कहीं शास्त्री किया ना कुछ किया। आज जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है वो अपनी प्रेरणा और स्वाध्याय आदि से ही होता है। क्या उनकी भावना प्रेरणा से ही है जो हम कर पाते हैं, जो भी अपना स्वाध्याय करें या आज आपके साथ बैठ के चर्चा करते हैं, तो उस समय पे प्रेरणा मिली, समय पे मार्गदर्शन मिला तो वो काम होता है कि नहीं। प्रोत्साहित करें किस कार्य के लिए, आत्मार्थ की भावना के लिए। क्षणिक राजा का एक दृष्टांत आया है, उसको कह के बात विराम लेता हूं। हाँ, इस पंचम काल में मोही जीवों की स्थिति कैसी है, दृष्टांत आपका सुना होगा, मैं से पुनः स्मरण कराता हूं कि एक माता एक गाय अपने बछड़े को दुलार रही है। क्या है, गाय दुलार रही, सपने में देख रहे हैं, स्वप्न में देख रहे हैं कि गाय अपने बछड़े को बहुत प्रेम से दुलार रही है, जीभ से चाट रही है। पशु तो ऐसे ही करते ना, दुलार, जीभ से चाट, और चाटते चाटते उन्होंने क्या देखा, उसने दांतों से उसकी चमड़ी खींचना चालू कर दी, लहू लुहान कर दिया अपने बच्चे को, देख के घबरा के खड़े हो गए। ये कैसा स्वप्न आया, एक समय पहले तो वो दिख रहा वात्सल्य, एक समय दिख रहा प्रेम, एक समय पहले दिख रहा दुलार, और दूसरे समय वो ही माता अपने बच्चे को प्राण लेने पे उतारू हो गई। ये स्वप्न ऐसा क्यों परिवर्तित हो गया, मालूम क्यों परिवर्तित हुआ स्वप्न, कि वो उनको ये पता चला इस पंचम काल में जीवों के परिणाम ऐसे ही हैं, बच्चे पतन की तरफ जाएंगे, इन्हें प्रसन्नता का अनुभव होगा, ये धर्म से च्युत होंगे, इनको लगेगा ये बढ़ रहे हैं। क्या इनकी दुर्गतियों का बंद होने वाला है, हम आनंद मानते हैं। मैं ईमानदारी से आपसे प्रश्न पूछूं, लोग कहते हैं हमारे बच्चों को आप बोलना आपकी शायद मान जाएंगे, मैं कहता हूं यदि कदाचित तो वो मेरी मान जाए या किसी के कहने से वो समझ जाए, तो आपकी दिली तमन्ना है कि वो समझ जाए, आपका मन कहता है कि वो समझ जाए। हाँ, मैंने आपको एक घटना सुनाई थी ना, एक डॉक्टरनी थी, वो उनके पति क्या कहते बहुत एकदम विपरीत भागते थे, तो एक बार उनने मुझसे कही कि पंडित जी ये हमारा ऐसा 36 का आंकड़ा है, मैं इनसे जो कहती है ना उसका अपोजिट करते, मेरे को बहुत चिड़ होती है, पानी अनछना बहाते हैं नल खोल के जानबूझ के मेरे को परेशान करने, और मैं थैली भी बांधूंगी ना तो वो उस नल को खोलेंगे जहां थैली नहीं बंधी, ऐसा वो मुझे बता रही थी। हाँ, और मुझे बार बार कहें पंडित आप समझाओ, आप समझाओ, आप समझाओ। अब एक दिन ऐसी उनसे चर्चा हुई, एक तो मैंने उनको कहा कि आपकी तरीका गलत है, एक तो आपको अपने पति के प्रति योग्य आदर भाव नहीं है, आप सबके सामने उनकी निंदा करती हूँ, ये गलत बात है। मैं क्या कह रहे हैं, गलत बात, पहली गलती। अब गजब है, वो कह रहे हैं इनकी गलती सुधरवाना, आप हमारी जो गलती बता रहे हैं। आप ये समझ लेना कि गधे को गधा कहने की स्टाइल होती है। हाँ, बच्चा अपनी गलती से गिर जाता है तो देहरी को हाथ मारा जाता है, बच्चे को नहीं मारा जाता। देहरी को हाथ मारते हैं क्योंकि ना समझ है ना, वो इतने में खुश हो जाता है, अच्छा इन्हें मारा ले इसको ही देते एक टेबल को, वो खुश। तो पहले तो बताया गलती इनकी नहीं, गलती तुम्हारी। क्या
तो उनको थोड़ी कसाई ठंडी। हाँ अब एक हमारी पार्टी का आदमी तो मिला, नहीं तो जी अकेले भारी पड़ रही थी, अब एक हमको साथी मिला। अब हाँ हाँ पंडित जी बात तो सही कहते हो आप। फिर मैंने जब उनसे चर्चा हुई और उनको कोई बात लग गई और उनने उस चीज को सुधारने का परिणाम कर लिया, क्या कह रहे हैं, और उन्होंने अपना वो निर्णय कर लिया, ठीक है अब मैं आपकी बात मेरे गले उतर गई, अब मैं इसको ऐसा करूंगा। अब दूसरे दिन उन्होंने उसको छने पानी आदि का प्रयोग खुद हाथ से थैली बांध दी। अब उनकी पत्नी फिर दौड़ के आई, पंडित जी आपने क्या बोला था इनको बताओ ना। क्या मैं कहा तुम्हें बड़ी तकलीफ थी कि वो क्या कहते हैं बेलाइन थे तो समस्या, वो लाइन पे आ गए तो क्या, नहीं बोले और भी समस्या है। मैंने कहा तुम्हारी समस्या को सुधारने के लिए हम यहाँ नहीं आए। क्या नहीं तो तुम तो अपना पूरा लिस्ट लेके जाओ, ये भी सुधरवा दो ये भी सुधरा। मैंने कहा एक बात बताओ बहन जी, मैंने कहा यदि ये पूरे सुधर जाए हैं और इनको वैराग्य आ जाए तो क्या आप अनुमोदना करने तैयार हो? तैयार हो? नहीं नहीं इतने भी नहीं सुधारना, इतने भी नहीं सुधार देना कि इनको वैराग्य आ जाए। तो गजब की बात है, जगत तैच नहीं कर पाता है सुधार क्या है, बिगाड़ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इनके चक्कर में उलझने में कोई प्रयोजन सिद्धि नहीं होती। आत्मार्थ की भावना से निष्प्रहता से मार्ग का प्रवर्तन करो, जो भव्य होंगे पात्र होंगे वो इसको अंगीकार करेंगे, और जिनके भाग्य में नहीं होगा, ताकि दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन टोडरमल जी से नहीं हो सके है तो हम किस खेत की मूली। क्या कह रहे हैं है? उनसे नहीं हो सके। जैसे कोई महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखावे, जैसे कोई संसार दुख से पीड़ित जीव को सुगम मोक्ष का मार्ग बतावे, जैसे कोई कुष्ठ पीड़ित जीव को अमृत पान करावे लेकिन वह ना करे, तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन हमसे तो ना हो सके है। उसके परिणाम को देखकर हमें तो अपने परिणामों में समता धारण करना चाहिए। ऐसा ये ब्रह्म स्वरूप का मार्ग है। आइए हम और आप सभी आगे की ओर बढ़ेंगे भक्ति के क्रम में। कल प्रातः काल सिद्धवरकूट और ऊन के निकट जो सनावत है वहां के दर्शन और सिद्धवरकूट और ऊन के पुनः दर्शन का लाभ हमें प्राप्त होगा। वो क्षेत्रों के दर्शन अपन करेंगे भगवंतों की सिद्ध भूमि के और पूजन होगी। आइए मैं भक्ति के लिए आमंत्रित करता हूँ। हाँ जी, दो नाम हमें प्राप्त हुए थे, एक तो विजया काला जी जो भक्ति लेंगे। अच्छा ये वाला है आपका, हाँ माइक अनम्यूट किया मैंने। आप अनम्यूट कर। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ जी जय जिनेंद्र देव। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आती है क्लियर। जैन धर्म के हीरे मोती में बिखराओ गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाओ गली गली। जिन जिन ने ये मोती लूटे वे ही माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। सोने चांदी वालों सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात कहूँ मैं भली भली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाओ गली गली। दौलत दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और रूप ना पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया मीठी होगी, सुंदर काया मीठी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा शोर मचाओ गली गली। तो करता तू तेरी मेरी अज दे उस अभिमान को, टूटे झगड़े छोड़ कानी भजले भगवान को। दो दिन का ये मन खिला है, दो दिन का ये मन खिला है, फिर मुरझाए कली कली।
ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, जीवन में दुख है तब तक ही तब तक सम्यक ज्ञान नहीं, ईश्वर को जो भूल गया है वह सच्चा इंसान नहीं, जगत का मेला दो दिन का, जगत का मेला दो दिन का, अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, जय जिनेंद्र। अरे बेटा कुछ बोलना, बोलो। हाँ सुना तो, दो लाइन सुना दो, बोलो। सदा जिनवानी क्षण त्यागी में अनुरागी, वस्तु स्वरूप समझते शुद्धाते जैनी, वे ही सत्य जैनी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये छोटे बालक ने भी अपना एक कविता पाठ साथ साथ उसकी दादी के साथ में उसने भी एक कविता पाठ किया। दादी ने तो बहुत अच्छा पुराना भजन ली, जैन धर्म के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, सुन लो सच्चे सुख के वांचक बात कहूं मैं भली भली। हाँ अंत में होगी चला चली, ध्यान सुने पंक्ति, अंत में होगी चला चली। अंत कब होता है, चला चली कब होती है? हाँ कि किसी का भी अंत कभी भी आ सकता है, वो अंत पर्याय का है, आत्मांत नहीं होता। कहा जाता देहांत, आत्मांत नहीं होता, लेकिन इस पर्याय में जो करने योग्य कार्य है उसको सजगता में कर लें, यह जैन धर्म की खरी बात है, यह जैन धर्म की मूल बात है कि आत्मार्थ को प्रमुख रखते हुए हमें इस भक्ति से अपने हित का परिणाम सजाना चाहिए। और बालक ने भी एक छोटी सी कविता ली थी, सच्चा जैनी की परिभाषा क्या उसमें आई थी, यद्यपि बहुत आवाज क्लियर नहीं थी लेकिन अपनी सुनी हुई है, इसलिए हम उसका भी बहुत बहुत करतल ध्वनि से बच्चे का उत्साहवर्धन करते हैं। आइए अभी हम जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए आगे बढ़ेंगे, इसके पहले भाव प्रतिक्रमण करते हैं। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा संरम्भ समारंभ आरंभ द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्राश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए भाव प्रतिक्रमण के स्थान हम जिनवाणी के स्तवन के लिए चलते हैं मुंबई। मुंबई से हमारे प्रमिला बहन हैं जो जिनवाणी स्तुति का पाठ लेंगे। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ, माइक का नजदीक रखिएगा, आवाज आती है बस। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। जी
जय बोले जिनवाणी माता की जय। जय जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी ओ माँ भगवती माँ भक्त के कंठ विराजो माँ निघ्नों को हरने वाली माँ जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी मिथ्या दृष्टियों के शासन का जो खंडन करने वाला है श्री जिन का शासन है वो जिन शासन है वो जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी पर दोष न करने से कोई निर्दोष नहीं होता है निज में ही दोष देखो ज्ञानी निज में ही दोष देखो ज्ञानी जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुनते सुनते श्री जिन वाणी देह से निकले आत्मा सुगति में जावे या आत्मा सुगति में जावे या आत्मा जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया जिन वाणी सुन लो भैया जिन वाणी जय बोलिए द्वादशान जिनवाणी मात की जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर एक नवीन जिनवाणी स्तुति का पाठ हम सभी ने सुना। लगभग मैंने तो नए पहली बार सुना है। अच्छी जिनवाणी स्तुति थी जो हमारे मुंबई से प्रमिला बहन दिनेश जी शाकिना का नगर से मुंबई से जुड़े थे जिनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ हुआ। और इस जिनवाणी स्तुति के माध्यम से जिनवाणी की वंदना भी हमने की और साथ ही साथ इस जिनवाणी से अपने मार्ग का प्रशस्त कैसे करें हम इस लक्ष्य की प्रेरणा भी अंतिम अंतिम पंक्तियों में आपने और हम सब ने ध्यान पूर्वक सुनी। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करते हुए अपनी स्वाध्याय सभा को अभी विराम देंगे। कल प्रातःकाल हम सभी 7:25 पर अपनी 138वीं मंगल तीर्थ यात्रा और जिनेन्द्र पूजन के लिए जुड़ेंगे। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सर्वसाहूणम। जय बोले द्वादशांगमयी माता की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से ब्रह्म स्वरूप इस तत्व की मंगल आराधना और स्वाध्याय चर्चा के साथ में अभी का हम स्वाध्याय सभा को विराम लेते हैं। भगवंतों के द्वारा प्ररूपित ये मोक्ष मार्ग हमारी आराधना और श्रद्धा का विषय रहे जिससे हम संसार दुखों से परिमुक्त होकर शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।